ललितपुर जिले के तालबेहड़ क्षेत्र ग्राम पिपरई का मामला है। पिपरई ग्राम प्रधान व सदस्यगण द्वारा खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम विकास अधिकारी व रोजगार सेवक की मिलीभगत से चल रहे हैं ग्राम विकास कार्यों को लेकर पिपरई में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई जा रही है। उनकी जानकारी ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों को नहीं दी जाती है। ग्राम में कोई भी खुली बैठक नहीं होती है। यह कि ग्राम के विकास हेतु कितनी समितियां बनाई गई यह जानकारी भी ग्राम प्रधान व सदस्यों को नहीं है। पिछले 2 वर्षों से ग्राम पिपरई में कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। ग्राम में कोई भी विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। सिर्फ कागजों से फर्जी एंट्री कर फर्जी बिल वाउचर लगाकर सरकारी धन की खुलेआम लूट कर पैसों का आवंटन कर पॉकेट में मोटी रकम बंद कर ली जाती है। ग्राम विकास अधिकारी व रोजगार सेवक द्वारा की जा रही है ग्राम विकास कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मौके पर भी कोई भी कार्य नहीं कराए गए हैं। एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर पानी की तरह बहा रहा है तो दूसरी ओर ग्राम विकास के भ्रष्ट अधिकारी पैसों का गुल खिला रहे हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर आखिर कब होगी कार्यवाही? प्रधान व प्रधान प्रतिनिधियों का कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की जांच पड़ताल कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। राहुल कुमार की रिपोर्ट।